हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते थे कि हमने पिछले लेक्चर में अंकगणित का अलजेब्रा को समाप्त कर दिया था, ठीक ना। तो आज हम अगले वाले चैप्टर पर बात करेंगे, सरलीकरण। और माफ़ी चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों से आप लोग को वीडियो नहीं दे पा रहा था, क्योंकि हम होली की छुट्टी में घर गए थे और आने के बाद यहाँ मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी। तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो जाएगा रोज़, ठीक ना। तो आप लोग रोज़ पढ़ते रहें। और आज हम चालू करने वाले हैं अलजेब्रा के बाद ख़त्म करके, उसके बाद शुरू होने जा रहा है सरलीकरण। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। तो इसमें हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पहला टाइप यही पढ़ना होता है, का को पहले काटिए, ता पीछे दो, भाग गुणा करो, धन जोड़ दो, अंत में करो घटाओ। इसी पर व्यात करना बात करेंगे हम पहले टाइप में, ठीक ना। तो डायरेक्ट हम प्रश्नमाला ही ले लिए हैं, प्रश्नमाला मतलब हम लोग अब डायरेक्ट प्रश्नमाला का ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्यंजक 6×4 -2/2 ना, का सलूशन क्या दिया रहता है कि का को पहले काटिए, ता पीछे दो, भाग गुणा करो, धन जोड़ दो, अंत में करो घटाओ, ठीक ना। तो पहले इसमें तो पहले तो गुणा है, अरे सॉरी पहले भाग है, भाग के बाद गुणा करेंगे, अंत में देखिए माइनस है। जो नहीं दिया रहेगा जस्ट उसके आगे वाला काम करेंगे। जैसे मैं का को पहले काटिए, ये नहीं दिया है तो डायरेक्ट पीछे, ता पीछे दो भाग, तो भाग करेंगे। गुणा करो धन जोड़ दो, गुणा करने वाला यहाँ है, धन जोड़ दो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अंत में करो घटाओ तो अंत में घटाओ कर देंगे। तो पहले कितना है 6×4 -2/2 कितना हो जाएगा, 2/2 1। अब देखिए 6×6=24, आइए घटा लीजिए कितना हो जाएगा 23, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 2/2 +2×2 -2 को सरल करने पर बराबर वाट, यही कह रहा क्या होगा। तो इसको पहले 2/2 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 1। अब +2×2 -2 देखिए 1 प्लस, उसके बाद का को पहले काटिए, का नहीं दिया है, उसके बाद भाग, फिर गुणा करो धन जोड़ दो, तो गुणा करना है तो 2×2=4 -2। अब देखिए 1 के आगे क्या है, कुछ नहीं तो प्लस और ये 4 भी प्लस, तो 4×1=5 में से किसको घटा लेंगे 2 को, कितना हो जाएगा 3 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्यंजक 60×7 +3×60 देखिए 6×7=42 420 +60×3=180 इसको जोड़ लेंगे 0 × 10 की 1 4×5=600 इतना आंसर हो जाएगा। ये पहले टाइप में छोटा छोटा सवाल दिया है, ठीक ना। इसको तो आप लोग भी हल कर सकते हैं, लेकिन करा दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, व्यंजक 12×8 -4/4 बराबर वाट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया,
तब 12 गुणे 8 माइनस 4 भागे 4 करेंगे कितना होगा 1, बराबर है 96 माइनस 1 कितना हो जाएगा 95 आंसर। इतना ये तो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, पहले टाइप में बहुत छोटा छोटा दिया है, आप लोग भी इसको बना सकते हैं, लेकिन हम पूरा सिंगल बाई सिंगल पूरा नंबरिंग बाई करके हम सब बता रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ठीक ना। आप लोग अगर आप लोग को आता है क्वेश्चन तो आप लोग क्या कीजिए कि पहले वीडियो को स्टॉप कीजिए, उसके बाद इसको आप लोग बनाइए, ठीक ना, उसके बाद ही वीडियो को देखें और अपना आंसर मिलाएं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है 9 माइनस 8.5 गुणे 0.6 भागे पाँच प्लस 2 बराबर 8। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, पहले भागा तो 9 माइनस 8.5 गुणे 0.6, यहाँ पर हटा के दशमलव नीचे 10 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी नीचे 10 लिख सकते हैं, दशमलव हटेगा तो नीचे 0 ही ना बैठेगा एक ठो, क्योंकि एक ही अंक के बाद दशमलव है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ तो हटा करेगा, और फिर अगर कुछ नहीं इसके तो एक नीचे एक छुपा है 5 के नीचे, तो गुणा करेंगे तो एक ऊपर और 5 नीचे प्लस 2। अब देखिए 5 से 17 5 85। अब देखिए 9 माइनस 17 6 102, अब बटा में 10 दहाई में 100 प्लस 2। देखिए 9 माइनस यानी कि कितना हो जाएगा 1.02 प्लस 2, 9 2 11 माइनस 1.02, तो 11.00 में से 1.02 घटा दीजिए कितना आएगा, वो 8 9 10 में लग गया 9.98 जी 9.98 ऑप्शन में है, ऑप्शन राइट ए में बहुत आ गया। आप लोग इसको भी करिएगा, बगल में एक छोटा सा क्वेश्चन है इसको भी हम कर लेते हैं अभी तुरंत। छठवां क्वेश्चन दिया है 3.1/2 और 3.1/2 का गुणनफल, का गुणनफल देखिए 2 3 6 6 1 7/2 गुणे 2 3 6 1 7/2 कितना होता है, साथ साथ 49/4 है ना, तो 4 से 12 चौके 48.1/4 इतना आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसको हम इरेज करते हैं। तो चलिए अब हम सातवां क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सातवां को बोल रहा है -12 + -9 / 3 + -5 × -3 = 8। इसको हमको करना है सॉल्व। देखिए -12 + -9 / 3 + -5 × -3 ना, तब देखिए
माइनस 12, पहले भाग करते हैं ना, भाग करते हैं, माइनस 9 भागे 3 कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए माइनस माइनस ये तो प्लस रबे करेगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस, लेकिन माइनस 5 गुणे माइनस 3 करेंगे तो कितना 15, यानी प्लस ही 15 रहेगा। यानी कि अब देखिए माइनस 12 माइनस 3 माइनस 15, यहाँ प्लस 15 कट जाएगा, आंसर 0 इसका आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन, 8वां यहाँ पर वीडियो में दिखाई नहीं देगा, 8वां यहाँ पे बना देते हैं। 8वां 7 × 3 माइनस 4 × 5 प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 2 माइनस 7 × 5 माइनस 7 × 5 देखिए 7 × 21 माइनस 4 × 5 = 20 प्लस 2×4 माइनस 7 × 5 = 35। ये मोड दिया है तो मोड को पहले लगाए रखना है, नहीं कि मोड को हटा दिए। अब देखिए 21 प्लस में 4 प्लस में, तो 21 × 4 = 25 प्लस में रहेगा, माइनस 20 माइनस 35 माइनस 5 3×5 माइनस 55 कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो 0 3 30 माइनस 30, यानी कि कहने का मतलब कितना 30 आंसर 30। अब मोड में से बाहर निकलेगा ना, मोड जब बाहर मोड है तो जब निकलेगा अंदर तो बस केवल कितना हो जाएगा 30 ही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पीछे स्किप कीजिए, उसके बाद फिर से देखिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 6 प्लस मोड में माइनस 6 फिर माइनस फिर मोड 6 का मान बताएं, बताएं इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया। 6 प्लस मोड में माइनस 6 बाहर निकलेगा प्लस में, और माइनस माइनस तो रखे करेंगे, और 6 मोड से बाहर निकले तो 6 ही रह जाएगा। देखिए तो 6 इधर कुछ नहीं तो प्लस में 6 और प्लस 6 6 6 12 माइनस 6 6 आंसर। ये सिंप्लीकेशन छोटा सा और मत समझिएगा इस सबको, ये सब नवोदय नेत्रहाट सैनिक स्कूल ये सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब, ठीक ना। जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं थोड़ा मॉड भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा जैसे लेवल हाई होगा समझिए कि कोनो न कोनो परीक्षा में जरूर आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम स्लाइड पे जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पर, 10वां तो थोड़ा हार्ड है, ये है सैनिक स्कूल में पूछा गया है 10वां सवाल, बोल रहा है कि 0.01 प्लस 2 × 1.02 भागे 0.02 माइनस 0.5 को सरल करें। तो अब देखिए पहले क्या करना होता था, भाग तो 1/100 प्लस 2 × 102 / 10 हटाएंगे तो नीचे 100, और हम गुणे करें तो नीचे कितना 2 ऊपर 100 हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट 2/100 लिखते तो भागा में ही रह जाता, फिर ऊपर 100 लगा है नीचे 2 तो गुणा में आ गया माइनस 0.5। 100 से 100 कटा है, 2 से
दो काटा। देखिए एक बटा में सौ इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको 0.01 रहने दीजिए। देखिए 0.01 प्लस 102 माइनस 0.5। अब देखिए 102.00 आप प्लस में 0.01 0.2 102.01 माइनस 0.5। दशमलव 01 में से 0.05 को घटा लीजिए। 11 में से 5 गया 6 9 101 101.96 हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक ना। इसको आप लोग भी जल्दी से जल्द बना लीजिए। चलिए हम लोग अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन जो अभी हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। भुलाया गया का 11 क्वेश्चन। 11 9 के पावर 10 प्लस 9 के पावर 9 माइनस 9 के पावर 8 इंटू 9 के पावर 2 प्लस 9 बराबर वाट। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 के पावर 10 प्लस 9 के पावर 9 माइनस 9 के पावर, अगर देखिए माइनस 9 का अगर हम यहाँ प्लस 9 में करेंगे तो फिर प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। आप लोगों हम पहले भी बता चुके हैं अलजेब्रा में भी, ठीक ना। अगर अलजेब्रा का लास्ट वीडियो आप लोग ने नहीं देखा तो हम अलजेब्रा का लास्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में हम डाल देंगे, उसको आप लोग ज़रूर देख लेंगे, ठीक ना। तो 8 के पावर कितना, अरे 9 के पावर कितना हो जाएगा, 8 2 10, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस कितना हो गया माइनस है, तो 9 के पावर 8 आए, तो 9 के पावर अगर कि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, 9 के पावर 1 का मान 9 ही होगा, तो 8 है कितना हो जाएगा 9। अब देख लीजिए यहाँ पे 9 के पावर अगर आगे कुछ नहीं तो प्लस 9 के पावर 10, तो क्या कर लेंगे यहाँ पे कट जाएगा प्लस माइनस, और ये भी प्लस माइनस कट जाएगा, कितना होगा 0। आंसर 0 आएगा ना। यहीं पर हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4x² माइनस 5x में माइनस 4x² माइनस 5x को घटाएं ना। देखिए इसको भी सॉल्व कैसे करेंगे, 4x² माइनस 5x में, मैंने इसमें से माइनस 4x² माइनस 5x को क्या करना है, घटाना है। तो घटाना में आप लोग जानते हैं कि चिन्ह बदल जाता है, घटाना में क्या होता है माइनस चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी प्लस, तो माइनस हट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी माइनस हट जाएगा, देखिए तो कितना हो जाएगा 4x² प्लस माइनस ही तो कट ही जाएगा, तो 8x² केवल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्वेश्चन आप लोग 12 क्वेश्चन हम कराए आज, इतना ही आप लोग रिविज़न कीजिएगा, ठीक ना। अभी तबीयत ख़राब होने के चलते ज़्यादा हम नहीं बना सकते वीडियो, इसलिए आज इतना ही क्वेश्चन का आप लोग रिवीजन कीजिए। माफ़ी चाहता हूँ
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।